श्री बंसीधर नगर से खबर। पलामू आईजी आरके लकड़ा सोमवार को अनुमंडल न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। पलामू आईजी आरके लकड़ा ने अनुमंडल न्यायालय परिसर में बने कैदी को रखने के लिए बने कोर्ट सेल का जानकारी लिया। इस दौरान कोर्ट सेल में नियुक्त पुलिस कर्मियों ने बताया कि प्रत्येक दिन 7 से 8 कैदी आते हैं। पलामू आईजी ने कोर्ट परिसर में बन रहे पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मियों के लिए रहने की व्यवस्था की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उक्त स्थल पर सीसीटीवी कैमरा की निगरानी रखा जाए, इसके लिए एक कमरे के निर्माण कराने की बात कही। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल न्यायालय के रजिस्ट्रार अमित खन्ना ने पलामू आईजी को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में कोर्ट का प्रवेश द्वार नहीं है। कोर्ट गेट के सामने से मुख्य द्वार का निर्माण कराने को लेकर प्रस्ताव किया गया। पलामू आईजी ने कोर्ट परिसर में जाने के लिए बने 3 गेट पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर में 2 गेट सही है। निरीक्षण के बाद पलामू आईजी ने कहा कि न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्य रूप से जानकारी लिया जा रहा है। मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार केसरी, थाना प्रभारी नीतीश कुमार सिंह सहित पुलिस बल के जवान उपस्थित थे। अनुमंडल न्यायालय आया सर, क्या है सर? कोर्ट सिक्योरिटी देखना है, वही चेक करने के लिए आया है। ठीक है।